पल किया है जिंदगी में संघर्षों का सामना, पर स्वीकार नहीं किया अपने जिंदगी से हारना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से पत्रकार समाजसेवी अभिषेक मिश्र की, जो समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अलग पहचान बना चुके हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चले कि कुछ लोग अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से होटल, रेस्टोरेंट, घर या किसी दोस्तों के साथ मनाते हैं, लेकिन यह समाजसेवी पत्रकार अभिषेक मिश्र ने अपना जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया, जो चर्चा का विषय बन गया है। वे अपने जन्मदिन पर हर साल शहर के अंदर बसे मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ मनाते हैं और बच्चों को कापियाँ, किताबें, मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें देकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करते हैं। उनके इस तरह से गरीब बच्चों के बीच जाकर अपने जन्मदिन मनाने से हर तरफ प्रशंसा हो रही है। इस संबंध में अभिषेक मिश्र ने बताया कि कैसा लग रहा है, उन्होंने क्या हमेशा कब कब आए हैं दिवाली पे? दिवाली पे, हर त्योहार दिवाली पे। जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, मैं मऊ में रहता हूँ और हमारा आज 1 फरवरी होता है, जन्मदिवस होता है। हर जन्मदिवस पर कुछ ना कुछ नया करने की सोचता हूँ, और लेकिन नया करने का कुछ कार्यक्रम सोचता हूँ, लेकिन हर बार ऐसे ही लोगों के बीच में रहता हूँ जिन्हें आज आप देख रहे होंगे। ये बच्चे होते हैं जिनके बीच में हम कहीं ना कहीं हर होली, दिवाली, दशहरा, जब भी कोई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो मैं इनके बीच में भी रहता हूँ। यही मेरा जीवन है और इन लोगों के बीच में ही रहकर मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो इससे आपको क्या उद्देश्य है? कहीं ना कहीं जो जीवन का ध्येय है वो ऐसे लोगों के बीच में हमारे गुजारने का था, और जीवन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बेहतर। लोग हर लोग तो अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपने लोग, बच्चे, अपने परिवार, अपनी बीवी, अपना सब कुछ, तो क्यों ना कुछ सबसे अलग हट के किया जाए। दुनिया में अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, अपने लाइफ में ऐसा मेरा कुछ हो नहीं पाया। मैंने शादी विवाह वगैरह ऐसा कुछ किया, और ये बच्चे होते हैं, ये बच्चे राष्ट्र के निधि हैं, इनको हम सजाएंगे, संवारेंगे, इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इनके बीच में रहेंगे, इनको खुशियाँ बांटेंगे। जब हम दूसरे को खुश रखते हैं तो संघ खुश होने लगते हैं। तो आज के दिन हम ऐसे ही लोगों के बीच में रहकर खुश होते हैं, और ये हमारे बच्चे राष्ट्र के निधि होते हैं। इनको हम कुछ ऐसे सोचते हैं कि आने वाले दिनों में ये भारत के भाग्य विधाता बने, सिर्फ उन परिवारों के बीच में होता। लेकिन आज मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, मुझे खुशी होती है कि जनपद में बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं और इन बच्चों के बीच में रहकर मुझे वो खुशियाँ मिलती हैं। तो आज आपने क्या वितरण किया? जो उसको तो ज्यादा मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा इन बच्चों को, भगवान ने ऐसा कुछ दिया नहीं जो मैं दे सकूं। जो कुछ भी दे पाता हूँ ये सब कुछ ऊपर वाले का ही है, उनकी वजह से दे पाता हूँ। मैं जितना भी करूँ सब कुछ कम पड़ेगा।